पाठ 10 गौशाला। वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े अभावग्रस्त दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वे कोई प्रबंध नहीं करते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, गांव के रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े लेकिन ज्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान है। अक्कल, जरा चलो, भानसा घर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है, खाना पीना बंद है। चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुकुम से राखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं जैसे गरीब की देह देह नहीं। उसे सर्दी लग रही थी, वह रह रहकर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर ना पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, उसके खर पात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल्की खिचड़ी, उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहां मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद, गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदें पाता था और पैसे भी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया और बेटी को तो वो इस शान से रखता कि गांव की बबुइयां भी मन ही मन चिढ़ती। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उसकी सेवा अक्कल जरूर करता था। वह काम करने में सक्षम था, उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा तो थी ही। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी, इनसे भी काफी पैसे आते। मैं अब शहरी जीव हूं, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूं। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन कूची। सलाम बबुआ, आंखें ना उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था, कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूं। फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई, एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया, काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ, अक्कल। मैं चौंक पड़ा, क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया।
बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था? और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूं बबुआ। तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अक्कल ने कथा सुनाई, किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही परती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में। अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घोर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू, जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घोरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था, मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने दो गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना चाहिए भी। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्कल है। कहां चले अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूं, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहां? जहां कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए तीन हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए? रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके